नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये एक ही ऐसा देश है जिसमें लोग आगे चल के इतने सुखी होने वाले हैं कि जिसमें मर्द घर पर बैठकर मच्छर मारेंगे, औरतें गांव के चौराहे पर जाकर पंचायती कूटेंगी, और बच्चों को पढ़ना है लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्कूल जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो नहीं जाए। आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी ना देश में एक फोकट या ट्रेंड चल रहा है, रेवड़ी बाटो ट्रेंड, जिसमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाना नहीं है, लोगों को कैसे भिकमंगे, लाचार और बेरोजगार बनाए हैं, इस तरीके की स्कीम विपक्ष वाले ना आए दिन बांटते रहते हैं। जैसे ना बचपन में रेवड़ियां बांटी जाती थी, उसमें से एक हमारे हैं होनहार केजरीवाल, आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बन ठन के ये सारे जो वायदे गांव गांव चल चल के तू कर रहा है कि मैं महिलाओं को इतना 1000 रुपया दूंगा, बेरोजगारों को 3000 रुपया दूंगा, बच्चों की स्कूल की शिक्षा फ्री कर दूंगा, तो ये जो सारा इन सब में जो पैसा लगेगा, क्या वो तुम्हारा बाप छोड़कर गया है, या किसकी इतनी इनकम है जिसके दम पर तू इतना कूद रहा है, और ये सारे तू अपने हिसाब से ही अपने फायदे के लिए नए कायदे लाने की बात कर रहा है। मतलब मुझे शर्म आती है ऐसे भिकमंगे और मुफ्त खोरों पर कि जो लोग ना इसकी बातों में आकर ना इसको सच में चुनते हैं। सबसे पहली गाली तो है ना उन लोगों को देनी चाहिए जिसने है ना इसको चुना है, क्योंकि आज अगर आप लोग सोचो कि किसी भी देश को ले लो, चलो हम मान लेते हैं कि भारत एक पछात देश था या है या आगे रहेगा, जो आपकी मेंटालिटी हो, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां ये सारी चीजें मुफ्त में लोगों में बांटी जाती है जनता में, कि आपको कोई काम धंधा नहीं करना है, सिर्फ हमें जिता दो, हम भले है सुवर लेकिन हमें जिता दो, हम सारी चीजें तुम्हें फोकट या देंगे। कौन से देश की इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो करती है? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि चवन्नी के चक्कर में बाजू वाले को अपना बाप बना लो वाला स्कीम चल रहा है। अगर जनता समझदार है, ठीक है, तो मैं उन लोगों को एक बात बता दूं कि हाल ही में अभी गुजरात में उसने अनशन बकवास करी है, तो आप लोग ना जो पंजाब के जो न्यूज आ रहे हैं ना वो खाली आप लोग ना एक बार ध्यान से पढ़ लो। पंजाब में जिस दिन उनकी सरकार बनी, जो इन्होंने वायदे किए थे, दूसरे ही दिन भिकमंगों की तरह झोली फैलाकर केंद्र सरकार के सामने नंगे होकर खड़े रह गए कि अब हमें आप फंड दो ताकि हम हमारे वायदे पूरे कर सके। और आज ये फोकट या चीजों के चलते जिन लोगों ने इन लोगों को चुना है आज वो भी भुगत रहे हैं। न इन लोगों के पास सैलरी करने के पैसे है, ऊपर से जो आगे के जो उधार चल रहे वो तो अलग ही है। अभी इन लोगों के भी नेताओं का क्वालिटी देखो, संजय सिंह जो आए दिन सांसद, मतलब वो लायक ही नहीं है टिकट ब्लैक किया वहां पर बैठने के लिए, शुभम थिएटर के बाहर खड़ा रह के 10 का 20 10 का 20 करने वाला इंसान आज सांसद में बैठा है, वो सबसे बड़े हमारे देश का दुर्भाग्य है। सबसे पहली बात, ठीक है, आए दिन सांसद में भिकमंगा जैसे बाहर खड़े रहने की भी जिसकी औकात नहीं है, ऐसे लोग अगर सांसद में बैठेंगे तो आए दिन ऐसे कागज है फाड़ना, लोगों पर उड़ाना, गुंडागर्दियां करना, मारपीट करना, सस्पेंड होना, मतलब ये गिरी हुई क्वालिटी के नेता है आपके, जिसके मैं आपको इंट्रोडक्शंस दे रही हूं। ताहिर हुसैन का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा, दिल्ली दंगों में सो कॉल्ड बहुत ही फेमस हो गए थे ताहिर हुसैन, जिनके टेरेस से सब सामान मिला था, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल को ये सब चीजें पता नहीं होगी? चल खैर छोड़ो, अब उसका ऐसा मानना है कि सत्येंद्र जैन को भी पद्म भूषण पद्म विभूषण मिलना चाहिए, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो घोटालों में नाम क्यों आता है? आज अगर ईडी का ऐसा तो है नहीं, क्यों आप पे और हम जैसे लोगों पर ईडी कभी छापे नहीं मारती है, क्यों इन लोगों पर ही मारे, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिल भी जाती है, ये भी सोचने वाली बात है। आप लोग एक बात समझो कि सत्येंद्र जैन को जब पकड़ा तब उसने बोला कोरोना की वजह से मेरी याददाश्त चली गई है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि जिसकी याददाश्त चली जाती है उसके लिए माँ क्या, बहन क्या, बीवी क्या, बेटी क्या, बहू क्या, बेटा क्या, जमाई क्या, उसको तो कुछ भी पता नहीं होता है। तो क्या याददाश्त चली गई उसके कारण सत्येंद्र जैन अपनी बीवी से राखी बंधवाता है? नहीं। अपनी बेटी के साथ असभ्य वर्तन करता है? नहीं। अपने बेटे का मर्डर करेगा? नहीं। अपनी बहू के साथ अय्याशियों वाली बातें करेगा? नहीं। तो फिर कैसे इसकी याददाश्त चली गई है?
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि इन लोगों के पर्सनल लाइफ में इसकी याददाश्त चली गई हो वैसा कोई भी लक्षण है ना आपको देखने नहीं मिलेगा। तो किस बेस पर इसको बेल मिली ना, ये सच में जनता को सोचने वाली बात है। अभी हाल ही में हम लोग बात करेंगे, अभी मनीष सिसोदिया, मतलब उसकी शक्ल देख के है ना मेरे को ऐसा होता है यहां से एक चप्पल फेंकू उसके मुंह पर और वहां दिल्ली में जाकर उसको लगे। उसकी हंसी इतनी फोकटिया और हरामियों वाली है कि जिसकी शक्ल देख के आपको अंदाजा आ जाएगा कि इससे नीच इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता जो जनता ये सोच रही है कि ये मुफ्त की चीजें देगा उसमें फायदा है। आज की तारीख में, आज के जमाने में कौन ऐसा है जो दूसरों का फायदा कराता है? अरे सगे माँ बाप भी है ना ये सोचते हैं कि हाँ बेटा अच्छे तरीके से भले पढ़ ले, थोड़ी अभी हम लोग है ना थोड़ा करकसर कर लेंगे, लेकिन आगे चल के ना ये बेटा हमें अच्छा जीवन देगा, अच्छी लाइफ देगा। एक बीवी भी अपने पति को है ना प्यार करती है क्योंकि अपना फायदा भी देखती है वो सामने। एक बच्चा अपने माँ बाप को प्यार करता है क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए वो चीजें उसको मिलती है। अगर इतने बड़े रिश्ते भी अगर स्वार्थ पर टिके हैं तो केजरीवाल कौन सा ऐसा इंसान है जो बिना स्वार्थ के इतनी सारी चीजें लोगों को मुफ्त में बांट रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर ये मुफ्तखोर हरामी जनता नहीं समझी ना, जो लोग इसको जिताते हैं उनके लिए बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि एक कहावत है कि नजदीक का फायदा देखने के चक्कर में ना लोग अपना दूर का नुकसान नहीं देख पाते हैं। आज अगर ये दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, सवाल तभी उठते हैं जब है ना कुछ गलत होता है। बिना गलत किए कुछ भी ऐसे सवाल नहीं उठ सकते, ऐसा मेरा मानना है। बराबर जैसे जो पहले जो शराब नीति चल रही थी उसको अगर चेंज कर रहा है केजरीवाल और ये चिचोदिया, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि अगर उन लोगों ने चेंज किया इसका मतलब कि सरकार की जो पुरानी शराब नीति थी उसमें कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम लगा होगा। चलो ठीक है तुमने चेंज करी, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद तुरंत ही वो नीति बंद करके वापस पुरानी वाली शराब नीति ला देना, ये किसके फायदे की बात है? और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बाप और बेटा ना एक टेबल शेयर करते हैं दारू वारू पीने के लिए। तो मैं उन लोगों को भी बता दूं कि दारू कोई आपका स्टेटस या जीवन जरूरियात वाली कोई चीज़ नहीं है जिसके बगैर आप मर जाओगे। क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है ना जिसके कारण बहुत माँ बाप है ना अपने बच्चों को ड्रिंक एंड ड्राइव में खो देते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें होगी जो शराब के कारण है ना शादीशुदा होने के बावजूद भी ना हर रात रेप होने का अनुभव करती होगी। शराब एक ऐसी चीज है जो माँ बाप को अपने बेटे से जुदा कर देती है, एक पति को अपनी बीवी से, अपने बच्चों को अपने बाप से जुदा कर देती है। तो जो मुफ्तखोर, ठीक है, इसको सिर्फ ये शराब वराब के चक्कर में अगर ये लोग इसको वोट दे रहे हैं ना, तो थूकती हूँ मैं तुम पर, तुम्हारे पर, कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें अपनी अय्याशियों के लिए भी है ना अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए भी ना इसके लोगों की जरूरत पड़ती है। रही गुजरात की बात, गुजरात में चाहे तू कितनी भी बड़ी बड़ी फेंक दे, साले तेरे 1000 रुपए की जो तू महिलाओं को लालच दे रहा है ना उतने की तो यहाँ की महिलाएं है ना एक वीक में पानी पूरी खा जाती है। और जिन लोगों ने तुझे वोट देकर इतना बड़ा बनाया है ना जितना तू है नहीं, उन लोगों के लेवल से बहुत ज्यादा के फाफड़ा जले भी ना गुजराती दशहरा के दिन में खा जाते हैं। तो तू ये अपनी मुफ्त की दुकान है ना वहीं तक चला, जो लोग आधा दिन होश में और आधा दिन है ना पता है ना किस चीज में रहते हैं, तो ये सब है ना यहाँ पर नहीं चलेगा। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, जनता अगर पागल है तो ही ऐसे लोगों को चुनना कि जो अभी आपको मुफ्त दिखाता है। वो कहावत है ना, अगर आपको है ना वो रैट को पकड़ना है ना तो पिंजरे में ना रोटी लगानी पड़ती है, वो रोटी खाने के चक्कर में है ना वो अपनी जान गंवा बैठता है। तो जनता का भी यही हाल होगा। और मैंने जैसे बोला किसी भी देश की इकोनॉमी है ना ये मुफ्त के बाजारों से नहीं चलती है। तो अभी भी आप लोग सोच रहे हो, और सबसे बड़ी इसको वोट नहीं देने की अगर जहां तक सवाल है, ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी मानस है, इसका सबसे बड़ा हिंदू विरोधी मानसिकता है। इसलिए इस इंसान को कभी भी उस ताकतवर कुर्सी पर मत बिठाओ जहां चल के है ना तुम खुद अपनी कब्र अपने आप खोद दो। केजरीवाल उनमें से एक है। आज अगर दिल्ली में दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है हिंदुओं का, क्यों तभी फटाकों पर बैन लगती है? मतलब आप लोग सोचो कि ये अभी गुजरात में इलेक्शन है तो मंदिर मंदिर भटक रहा है ना, अभी पूरे श्लोक भी आते नहीं है, मतलब अपनी घटिया सी आवाज में ये पता नहीं आरती चालू करता है, लोगों को माइक रखवा कर तालियां पिटवाता है,
लेकिन तेरी ये नौटंकी और स्त्री बगैर का पता नहीं हरामखोर जब से चुनकर आया है तब से उसके पास एक ब्लू कलर की शर्ट है, पता नहीं उसकी बीवी वो शर्ट धोती है कि भी नहीं। केजरीवाल को आप जब भी देखोगे वो ब्लू कलर की चेक्स वाली शर्ट में ही आपको दिखेगा। तो मैं चाहती हूँ कि उस मुफ्तखोर की वाइफ भी थोड़ा काम कर ले और इसकी शर्ट महीने दो महीने में एक बारी धो दे, ठीक है, या तो उसको नई शर्ट ला कर दे ताकि ये कुछ अलग कपड़ों में लोगों को दिखे, ठीक है। कश्मीर फाइल्स की मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें ना लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि इसने हिंदुओं का ना किस तरीके से इसने मजाक बनाया है। और रही बात, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुफ्त का खाने की आदत जिस दिन तुमको पड़ गई ना, तुम्हें ना भगवान भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो कहावत है ना, मांगे बिना तो भगवान भी नहीं देता है। और तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तो तुम्हें भगवान वैसे ही कुछ नहीं देगा। और ऐसे निकम्मों के भरोसे तुम अपनी जिंदगी जियोगे जो उनकी खुद की जिंदगी में कुछ ठिकाने नहीं है, वो आपका भला करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। मतलब मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक पूरे दुनिया भर में चिल्लाता फिरता है साले। मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के टाइम पर कितने लोगों को काम आया, मैंने तो सुना ही नहीं कि वहां पर इतने सारे बेड्स लगाए, इतने लोगों को काम आया। ऊपर से ऑक्सीजन की बोतल चोरी करने के इल्जाम काफी सारे दिल्ली में सुनाई दिए कि अपने रिश्तेदारों में बांटने के चक्कर में जो जाहिर में जो जनता बिचारी जो मर रही थी उसका तूने सोचा भी नहीं था। और क्या मोहल्ला क्लिनिक तूने लगा कर रखा है, वहां तो साले कुत्ते मूत रहे। और तेरी बीवी को खुद को कोरोना हो गया तो उसको क्यों फिर प्राइवेट में तूने भर्ती कराया? कभी किसी ने पूछने की हिम्मत करी है कि केजरीवाल जो सरकारी स्कूल के नाम पर इतनी पब्लिसिटी ऐंठ रहा है, उसकी खुद की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी है या नहीं? ये चिचोदिया की बेटी भी पढ़ी है कि नहीं सरकारी स्कूल में? ये सच में जनता को पूछना चाहिए। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी नेता हो, आप में वो गट्स होने चाहिए कि आप है ना 10 जन के सामने उसको पूछ सके, साले तू मैंने तेरे को वोट दिया था, तू इस चीज का मेरे को जवाब दे। और रही मतलब ये नशेड़ी गंजेड़ी लोग जो सिर्फ है एक बोतल के सहारे भी अगर ऐसा सोचते हैं, हाँ ये फ्री दे रहा है, ठीक है, तो आप लोग अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। इसमें जरा भी है ना होशियारी और ये सो कॉल्ड मर्दानगी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आगे चलकर भारी पड़ेगा जब लोग ऐसा बोलेंगे ये खानदान था, अभी कोई भी नहीं है उस खानदान में, सब मर गए। किस लत में? शराब की लत में। तो ये फोकट या शराब ये सब चीजों में मत पड़ो, अपना नेता ऐसा चुनो कि आप अभी जिस उम्र में हो आपके बच्चे आने वाली आपकी पीढ़ी के लिए क्या अच्छा है वो सोच सके। और किसी भी देश की, ये मैं तीसरी बार दोहरा रही हूँ, किसी भी बड़े देश की इकोनॉमी कभी भी मुफ्त की चीजें बांटने से ऊपर नहीं आती है। और ये कोई उसका बाप छोड़कर नहीं गया है केजरीवाल का, ठीक है, कि ये लोगों में बांट रहा है, ये किसका पैसा लग रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो सोच समझ कर अपना नेता चुने। और अभी जो मेजोरिटी में हो ना वो तुम लोग माइनॉरिटी में ना आ जाओ ना, इसलिए तुम्हें भाजपा को चुनना बहुत जरूरी है। आगे आपकी सोच है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।